अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उसको मैं बैलजोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक आईसी को सर्च कर सकते हो कि आपके पास जो स्क्रिप्ट बोर्ड पड़े हैं उनमें से है या नहीं है, और कौन कौन से बोर्ड में यूज़ हुआ है, या ये आईसी ये मॉडल जो है ना किस काम के लिए ये आईसी यूज़ की गई है। तो ये सब डिटेल आप इसमें मालूम कर सकते हो। हमसे पहले भी इस वे साथियों ने वीडियो बनाया होगा, शायद इससे किसी को समझ आए इसलिए हमने भी वीडियो बना दी। इसके लिए सैम्पल वर्जन का ये न्यू वर्जन आपने डाउनलोड करना है, ये 2.3.0 ये वर्जन आपने डाउनलोड करना, और ये सैम्पल साफ बर्नियो ओपन करके वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया होगा, बस अपडेट पे क्लिक करना है। इसके डेली अपडेट होते हैं, बर्नियो ये पंक्शन बहुत अच्छी है। इसके लिए सैम्पल साफ आपने बर्नियो को ओपन करना है और ये अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट हो जाए तो यहाँ भी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ये वाला ये ऑप्शन पे सैम्पल साफ आपने क्लिक करना है ये। ओके, तो ये नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली भी ओपन हो सकता है, थोड़ा वेट भी आप कर सकते हो जिस तरह इतना टाइम अभी इसमें लगा। तो ये सैम्पल सा सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपने सर्च करना है यहाँ पे आपने सैम्पल सा टाइप करना है, वो जो आपने सर्च करना है। मिसाल तौर में यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, कोई भी आईसी जो है ना, मतलब ये आजकल CRV जो है ना आईसी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं CRV यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई मॉडल मैंने नहीं लिखा। ये सर्च पर मैंने क्लिक किया क्योंकि नेट यहाँ पर थोड़ा स्लो है, तो ये देखो ये सभी ये आपने यहाँ पे आ गए, MT6357 CRV ये आईसी है, और ये सभी ऑप्शन इसमें दिए कि कौन सी, ये रेडमी ओप्पो वगैरह वीवो मॉडल में ये जो है ना यूज़ हो गई है। इसकी लोकेशन अगर आप बिड मैप में देखोगे तो U2000 इसके जो है ना ये कोड है, तो इससे आप स्कीमेटिक्स और बिड मैप में इसको रीड कर सकते हो। और ये हाँ लास्ट में लिखी हुई है कि ये आईसी पावर आईसी है, ये पावर के लिए यूज़ हो रही है, मतलब ये पावर आईसी है हमारी। ये देखो इतने मॉडल में ये लगी हुई है, ये देखो मैं स्लो इसको नीचे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे आप अगर कोई आईसी आपके पास आए हो, ख़राब हो, आपके पास स्क्रैप बोर्ड पड़े हो, तो आसानी से आप मालूम कर सकते हो कि आईसी कहाँ पे लगी है, कौन सी मॉडल में, तो आपके पास स्क्रैप में बोर्ड पड़े हो तो उससे आप निकाल के लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी है। बर्दे वाले ने इसमें कर दिया, और CRV सिंपल सा आपने लिखना है बस, ये पूरी डिटेल भी देगा, कोई पावर आईसी है, इसकी लोकेशन मतलब स्कीमेटिक्स बिट मैप कोड इसके क्या है, तो उसे भी डिटेल आपको देंगे। या LUB आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ये सिंपल सा मैंने LUB यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नेट थोड़ा स्लो है तो ये नेट आपका फास्ट हो तो ये फास्ट ही काम करेगा। तो ये देखो ये LUBIC यहाँ पे ओपन हो गया कि ये A1K और G5 और इस तरह A31 A8 इन मॉडल में यूज़ की गई है। ये LUBIC जो है ना ये आपके डिस्प्ले IC है, डिस्प्ले यानी ग्राफिक्स IC है। ये रखो ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई। तो बस दफ़ा इस तरह होते हैं कि स्क्रैप में हमारे पास आईसी पड़ी होती है, लेकिन हम उसके वजह से बहुत परेशान होते हैं कि अभी ये आईसी हम कहाँ पे देख लें, किस न्यू मंगवाए, क्या करें क्या करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये आपको जो है ना ये फ़ायदा होने वाला है, आसानी होने वाली है। ये सिंपल सा मैं एक और लिख लेता हूँ, 2516 ये आईसी जो कि हमारे अभी बहुत ज़्यादा ये चलने लगी है सिग्नल सेक्शन वगैरह में। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख लिया, ये देखो ये व्यू फोन में यूज़ की गई है, ये RFIC है आपके 2516A इसके मॉडल है, और ये आपकी ये देखो यहाँ पे लिखा है PIC है। तो सर कोई भी IC आप लोग कोई भी IC MMC हो, CP हो, पावर हो, लाइट हो, जो भी हो, तो आपको सभी डिटेल देगा कि कौन कौन से मॉडल में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ये आपके काम को जो है ना टाइम को बहुत ज़्यादा बचाने वाले हैं। ये देखो 632 मैंने लिखा, ये PMI 632 ये भी बहुत ज़्यादा अभी चलने लगे हैं और मार्केट में। तो ये देखो कौन कौन से मॉडल में लिखे हैं, फर्स्ट वो लिखा है, लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी बट मैप वगैरह में, तो लोकेशन भी इसकी दी हुई है। और ये लास्ट में लिखा है कि आईसी जो है ना पावर के लिए यूज़ होती है, चार्जिंग के लिए भी, ऑडियो के लिए भी बाज़ दफ़ा यूज़ होते हैं बाज़ मॉडल में, तो वो सभी डिटेल इसमें दी हुई है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, टाइम के बहुत ज़्यादा बचत आ गई, बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई, और बर्नियो सिमेटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा लाजिम हो गई। और इस तरह एक और ऐसी MRV सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा ये आजकल चलने लगे हैं MRV CRV दोनों। ये देखो लोकेशन भी बताया, मॉडल्स भी बताया, और ये पावर IC है, ये भी सभी डिटेल आपको दे दें। और बर्नियो सिमेटिक्स जिसने रजिस्टर कर दें वहाँ ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सर कोई भी मॉडल जो है ना आप IC भी मालूम कर सकते हो, कौन कौन से मॉडल में लगा है, IC के डिटेल भी ले सकते हो, लोकेशन भी ले सकते हो, कौन से IC के किस काम के लिए, ये सभी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। एक वैसे मैंने एक 501 लिख किया, तो U200 501 ये वगैरह ये CPO, और ये मॉडल हमारे ICPA के लिए भी इस तरह इस मॉडल में यूज़ हुई है, ये वैसे मैंने एक मॉडल लिख लिया। तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ बर्नियो से यहाँ से ये न्यू अपडेट से बहुत ही आसानी से इजीली से मिल सकते हैं।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के साथ शेयर करनी थी। तो हमसे पहले भी बहुत सारे साथियों ने शायद शेयर किया होगा, लेकिन किसी साथी को हमारी वजह से जो है उसकी समझ में आई है उसके इलम में इजाफा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आप आसानी से सर्च कर सकते हो मॉडल वगैरह सभी कुछ, लोकेशन वगैरह, और इंशाल्लाह ये किसी मॉडल में फ्रेटिकल करके भी आपको बता देंगे। और उम्मीद है साथी समझ गए और इंशाल्लाह।